तो 7 दिन है तुम्हारे पास, या 6 या 5 या 4 या 3 या 2, डिपेंडिंग कि आप ये किस दिन वीडियो देख रहे हो, एंटमैन क्वांटमेनिया के रिलीज होने से पहले अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए। वही वाला वीडियो है जो मैं मूवी रिलीज होने के पहले बनाता हूँ और जिसको देख के आप अपने क्रश को इम्प्रेस कर सकते हो। पता नहीं कितने लोगों ने किया होगा, कितने लोगों ने नहीं किया होगा, थैंक यू तो कोई आके बोलता नहीं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि इस वीडियो को वैसे तो मूवी रिलीज होने के 1 या 2 दिन पहले ही बनाता हूं मैं, लेकिन इस बार क्योंकि कुछ स्पेशल है, ये पूरा हफ्ता वैलेंटाइंस वीक है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों की थोड़ी मदद कर दी जाए ताकि आप एकदम ऐसे बढ़िया तरीके से पहले 7 दिन पहले देख लो, फिर उसके बाद जाके ऐसे कुछ झांके जमा पाओ। तो मजाक नहीं कर रहा हूं, तो फायदा उठाना। और 13 तारीख को बहुत सारे ट्रेलर्स आने वाले, तो उसके बाद टाइम भी नहीं मिलेगा, वो बात भी है। तो सबसे पहले शुरू करें एंटमैन क्वांटमेनिया को लेके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो एंटमैन क्वांटमेनिया जो है एंटमैन ट्रिलॉजी का 3rd पार्ट होने वाला है, जो आपको 17 फरवरी को अपने नियरेस्ट थिएटर्स में देखने को मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। और नहीं, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे उस दिन रिलीज नहीं होने वाली है। मार्वल वाले इसको थोड़ा सा 3-4 महीने, जैसे इन्होंने वकांडा फॉरएवर अभी रिलीज करी है, तो 3-4 महीने बाद रिलीज करेंगे ओटीटी पे। फिर इसके बाद अगर आप लोगों ने पिछले काफी लंबे टाइम से मार्वल की कोई भी मूवी को फॉलो नहीं किया है, और अगर आप जानना चाहते हो कि आपको कौन कौन सी मूवीज देखना जरूरी है, तो एंटमैन 1, एंटमैन 2, एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम, ये देखना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद लोकी का एक शो आया था जिसके season 1 में 6 एपिसोड्स है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको मिस नहीं कर रहे मूवी देखने से पहले। फिर इसके बाद बात करते हैं इस बारे में कि आखिरकार एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया से आप क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने पुरानी दोनों एंटमैन मूवीज देखी है, तो ये वाली एंटमैन मूवी जो इसका 3rd पार्ट है, ये अपनी पुरानी मूवी से काफी ज्यादा अलग होने वाली है। सिर्फ टोन में ही नहीं बल्कि इसकी सीनरी भी पूरी तरह से चेंज है। जहां पर पुरानी दोनों मूवीज अर्थ पे टेक प्लेस करती है, तो एंटमैन क्वांटमेनिया एक्चुअली में पूरी की पूरी क्वांटम रियल्म में टेक प्लेस करेगी, वो क्वांटम रियल्म जिसको अभी तक हमने एमसीयू में देखा तक नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इस फिल्म में पहली बार हम एमसीयू का वो कोना देखने वाले हैं जो अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक्सप्लोर तक नहीं किया गया, एंड दैट इज समथिंग टू बी एक्साइटेड अबाउट। फिर इसके बाद बाकी एंटमैन मूवीज की टोन ना जनरली थोड़ी सी लाइट रहती है। अगर आप एंटमैन 1 देखोगे, एंटमैन 2 देखोगे, तो उसमें जोक्स रहते हैं और जनरली ये मार्वल मूवीज की टोन के साथ काफी ज्यादा फिट बैठ जाती है। लेकिन वहीं पर एंटमैन क्वांटमेनिया की जो टोन है उसको थोड़ा सा डार्क रखा गया है, और इस मूवी में आप जोक्स को एक्सपेक्ट करके मत जाना, क्योंकि यहां पर आपको वो देखने को नहीं मिलने वाले, विच आई थिंक कुड बी अ गुड थिंग डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू सी, और अगर मूवी की टोन के साथ फिट होता है तो। प्लस जो हम पिछली 2 मूवीज से लुई की फ्लैशबैक वाली सीक्वेंस देखते आ रहे थे, वो हमें इस मूवी में देखने को नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद बात करते हैं इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में। तो कैरेक्टर्स वही होने वाले हैं जो हम पुरानी एंटमैन मूवीज में देखते आ रहे थे। स्कॉट जो कि एंटमैन होगा, होप जो कि वास्प होने वाली है, हैंक जो कि पुराने एंटमैन थे, इसके अलावा कैसी जो छोटी थी अब बड़ी हो चुकी है और इस मूवी में स्टैचर का रोल प्ले करेंगी। लेकिन इसके अलावा 3 कैरेक्टर्स हैं जो इस मूवी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सबसे पहले आती है जैनेट, दूसरा आता है मोडॉक, और तीसरे आते हैं अपने पोलार्ड भैया। तो सबसे पहले अगर जैनेट पे बात करना शुरू करें, तो एंटमैन 2 में हमको ये पता लगता है कि जैनेट एक्चुअली में मरी नहीं है, और पिछले 29 सालों से वो क्वांटम रेल में फंसी हुई थी, और इतना ही नहीं वो वहां पर अकेली भी नहीं थी। अब उसने वहां पर क्या किया, उसे अपनी पावर्स कैसे मिली, और क्वांटम रेल के बारे में ऐसे कौन से राज हैं जो वो इन लोगों को नहीं बता रही है, या आखिर क्वांटम रेल में जाने से इतना घबरा क्यों रही है, ये सब हमें इस पिक्चर में पता लगेगा। आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा रीजन गैंग ही है, लेकिन मोडॉक भी हो सकता है। स्पीकिंग ऑफ विच, अब वैसे तो मोडॉक मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक विलन है जिसका एक्चुअली में नाम जॉर्ज टैरल्टन होता है, लेकिन एमसीयू में इन लोगों ने इस पे एक थोड़ा सा डिफरेंट टेक ले लिया है। ये जो सस्ता फैंट आप देख रहे हो, ये और कोई नहीं बल्कि एंटमैन के पार्ट 1 में दिखने वाला डैरन क्रॉस था, मतलब ये हमारे वही कोरी स्टॉल होने वाले हैं। अभी एंटमैन में मरने के बाद भी क्वांटम रेल में कैसे पहुंचा, और उसके भी ऊपर से इसको ये अजीब सी बॉडी कैसे मिल गई, इन सारे सवालों के जवाब भी हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर कॉमिक बुक्स की बात करी जाए, तो मोडॉक भले दिखता एक शतुरमुर्ग जैसा हो, लेकिन इसने अच्छा खासा नाक में दम किया हुआ है एवेंजर्स के, क्योंकि इसके पास टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और अच्छे खासे लोगों को कंट्रोल करने की पावर्स है, और मतलब ऐसी साइकिक एबिलिटीज होने के साथ साथ इसके सूट में से शील्ड विल्ड बनाने की व्यवस्था भी होती है, तो मतलब परेशान करता है एवेंजर्स को ये। लेकिन इतना उधम मचाने के बाद भी स्टिल स्कॉट और उसके परिवार की मेन परेशानी का कारण ये बंदा नहीं होगा, वो होंगे हमारे पोलार्ड भैया उर्फ
कैंग द कॉन्करर, जिसके लिए मैं पर्सनली सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और उसका रीजन ये नहीं है कि ये बंदा आंधी तूफान लेकर आएगा, नहीं, वो तो आना ही है। मैं एक्साइटेड हूँ इसकी कहानी जानने के लिए, इसका अतीत, वर्तमान और भविष्य। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ पर जाएगा। आउट ऑफ ऑल द विलन्स जो अभी तक हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखे हैं, कैंग की कहानी मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है। और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्योंकि ये हमेशा बदलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जो कैंग हमने लोकी में देखा था, वो इस वाले कैंग से एक डिफरेंट कैंग था। उसकी कहानी पूरी तरह से अलग थी, वो अपने आप को एक साइंटिस्ट बोलता था, एक डिस्कवरर बोलता था, वेयरएज ये वाला कैंग एक वॉरियर है। इसके पास एक आर्मर है जिसमें वेपन्स लगे हुए हैं, मुंह पे बैटल स्कार्स बने हुए हैं। जहां पर एक तरफ लोकी वाला मजाकिया टाइप का था, ये एकदम सीरियस और बैडएस लग रहा है। और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्योंकि दोनों की बैक स्टोरीज अलग होने वाली है। जहां पर एक तरफ हम लोगों ने लोकी में ही हू रिमेन्स की बैक स्टोरी देख ली, अब मैं जानना चाहता हूं कि इस वाले कैंग की बैक स्टोरी क्या होगी, क्यों ये इस तरह का बना, क्यों इसके मुंह पर ये बैटल स्कार्स है। और बस इसी चीज को तो मैं बड़े पर्दे पे देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आखिरकार इतना बड़ा और खतरनाक वॉरियर, जिसके पास टाइम ट्रैवल की टेक्नोलॉजी है, वो क्यों क्वांटम रेल में फंस के रह गया और क्यों उसे स्कॉट जैसे सुपर हीरो की जरूरत है, और कैसे ये मार्वल की मल्टीवर्सल सागा के लिए इतना बड़ा थ्रेट साबित होगा, या फिर होगा भी कि नहीं, या इसका कोई वेरिएंट साबित होगा। फिर इसके बाद मार्वल ने बाकी मूवीज की तरह इसके भी हजार लाख करोड़ टीवी स्पॉट्स रिलीज कर दिए हैं, हालांकि मैंने उनमें से एक भी नहीं देखा है और उनसे दूर रहा हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे ये भी पता चला है कि इन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा रीथिंक किया है और उनमें से किसी भी टीवी स्पॉट्स में ऐसा कुछ भी खास रिवील नहीं किया है, तो हाँ, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि आपको कॉमन ऑडियंस तक पहुंचने के लिए इन सारे के सारे टीवी स्पॉट्स को रिलीज करना भी जरूरी है, तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ इसका वर्ल्ड प्रीमियर एक्चुअली मूवी रिलीज होने के 10 दिन पहले हो चुका है, तो इस वजह से पूरे के पूरे इंटरनेट पे बहुत सारे बड़े बड़े भारी भारी स्पॉयलर्स घूम रहे हैं। तो देख लेना, अपने अपने लेवल पे मेहनत कर लो जितनी कर सकते हो, लेकिन फिर भी स्पॉयलर से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो देख लो, स्पॉयलर्स लीक से बच के रहो थोड़ा सा। फिर इसके बाद बात करते हैं मूवी के आगे के फेज से कनेक्टिविटी की। तो देखो, एंटमैन क्वांटमेनिया एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है। मुझे पता है कि हम लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए भी ये कहा था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ साबित हुआ नहीं है। बट आई स्टिल थिंक कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और नो वे होम आगे जाके इंपॉर्टेंट प्रूव हो जाएंगी जब डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 3 रिलीज होगा तब, क्योंकि उसमें एक इनकर्जन्स करके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली गई थी। और जहां तक बात रही एंटमैन क्वांटमेनिया की, तो ये इसीलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैंग, जो कि मार्वल के मल्टीवर्सल सागा का सबसे मेन विलन है, वो अपीयर होने वाला है। तो इसीलिए इस मूवी को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मोस्ट प्रोबेबली ये सीधे जाकर कनेक्ट होने वाली है लोकी के सीजन 2 के साथ में, जो एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मार्वल के आगे के फेज के लिए और पूरी की पूरी मल्टीवर्सल सागा के लिए। फिर इसके बाद बात करें मूवी से एक्सपेक्टेशंस की, तो एक बात है जो मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं कि मूवी देखते टाइम ध्यान रखना, क्योंकि मैं पर्सनली रखने वाला हूं। तो ये मूवी जो है, ये मार्वल के फेज 5 को ओपन अप कर रही है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होने वाला है। मतलब ये किसी भी फेज के बीच में नहीं पड़ रही है, किसी भी फेज को बंद नहीं कर रही है, बल्कि एक फेज को ओपन कर रही है। तो डोंट गो इनटू द मूवी लुकिंग फॉर आंसर्स, क्योंकि इस मूवी में हमको जवाब नहीं बल्कि और भी ज्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। चीजों को सेटअप किया जाएगा, तो इस वजह से बहुत सारी चीजें अधूरी सी महसूस हो सकती हैं, इनकम्प्लीट सा फील हो सकता है। तो बस एक चीज याद रखना, दिस इज ओनली द बिगिनिंग, हैव पेशेंस, वी हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो माय फ्रेंड्स। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले, कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। मेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है, मेरी पावर को मत भूल। तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं, सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहां से।